नमस्कार भक्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे आप एक इलायची से कर सकते हैं किसी का भी वशीकरण। जी हाँ दोस्तों, इलायची खिलाकर कई बार आपने वशीकरण देखा होगा, लेकिन आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे आप एक इलायची को जलाकर भी किसी का वशीकरण कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए दोस्तों एक बात का आपको ध्यान रखना होगा कि जो भी व्यक्ति जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं वो आपके हाथ की बनी हुई चीजें खाता हो, तभी आप इस वशीकरण को कर पाएंगे। क्योंकि अंत में जो इस विधि को पूरा करने का तरीका यही है कि आपको उसे अपने हाथ की बनी हुई कोई चीज खिलानी पड़ेगी। अगर आप उस व्यक्ति को कुछ खिला नहीं सकते तो फिर आप ये विधि नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहली तो यही चीज है कि आपको एक इलायची लेनी है। इस विधि को आपको सुबह के समय करना है, तो नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहन लें और उसके बाद एक इलायची ले लें। उसके बाद उस इलायची को आपको भगवान को अर्पित करना है। आप उसे अपने घर में जिसकी भी पूजा करते हैं, जो भी आपके इष्ट देव हैं, उनके सामने रख दीजिए कुछ देर के लिए। जितनी देर आप पूजा करें उतनी देर आप इलायची को वहां पे रखें। उसके बाद आप उसे वहां से उठा लें और आप किसी भी चिमटी या फिर किसी छोटे कैंची की सहायता से भी उसे ले लें और उसके बाद आपको मंदिर में जो दीपक जल रहा होता है उसी दीपक में आपको उस इलायची को जलाना है। जिस समय आप इलायची को जला रहे होंगे उस समय आपको एक मंत्र का उच्चारण करना होगा दोस्तों। वो मंत्र मैं आपको बता देती हूँ, मंत्र को आप लिख लीजिए और आपको बिल्कुल सही तरीके से मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र है, ओम नमो भगवते कामदेवाय यस्य यस्य दृश्यो भवामि। इस मंत्र का उच्चारण करते जाना है और उसके बाद इलायची को आपको ऐसे दिए के ऊपर रख कर जला देना है। आपने इसे तब तक जलाना है जब तक कि पूरी इलायची काली ना पड़ जाए, और जब पूरी इलायची काली हो जाएगी तब तक आपको मंत्र का उच्चारण करते रहना है। इस तरह से अगर आप इलायची का ये उपाय करते हैं दोस्तों, तो आप यकीन मानिए जिसे भी आप अपने वश में करना चाहते हैं वो मात्र कुछ घंटों के अंदर अंदर ही आपके वश में होगा। एक बार जब इलायची एक तरफ से जल चुकी होगी तो आप इसे दूसरी तरफ से पकड़कर इधर दोनों तरफ से अच्छे से जला दें। और उसके बाद भी उस समय भी जब इलायची को जला रहे होंगे तो आपको इसी मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र का उच्चारण भी आपको बहुत देर नहीं करना है, सिर्फ जब तक इलायची जल रही है तब तक ही आपको इस उपाय को करना है। अब आपको इलायची को वापस रख लेना है और उसके बाद इसको ठंडा होने का इंतजार करना है। जब ये ठंडी हो जाए तो आपको इसे इसका छिलका हटा लेना है और इसके अंदर जो बीज होंगे, इलायची के जो बीज निकलेंगे वो आपको निकाल लेने हैं। और यही बीज आपको अपनी जिस भी व्यक्ति को आप अपने वश में करना चाहते हैं उनको खिलाने होंगे। तो इस तरह से इलायची के बीज अलग हो जाएंगे और सिर्फ आपको बीज को ही कूट कर उसका पाउडर बना लेना है। और जो भी चीज आप खाने की देना चाहते हैं उन्हें, मीठी वस्तु भी दे सकते हैं, नमकीन वस्तु भी दे सकते हैं, कुछ भी खिला सकते हैं, लेकिन बस एक बात का ध्यान रखना है कि वो वस्तु सिर्फ उसी को खिलानी है जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं। तो इस तरह से इलायची के दानों को अलग करके इसका पाउडर बनाकर आप उन्हें खिला दीजिए और दोस्तों कुछ ही मिनटों के अंदर अंदर वो भी आपके प्यार में बेइंतहा पड़ जाएंगे और हमेशा हमेशा के लिए आपकी दीवानी हो जाएंगे। तो आप इस उपाय को कीजिए। अगर आपका कोई सवाल है, कुछ और पूछना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।